So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So ISC 2023 की डेट शीट आ चुकी है एंड आप सभी को पता है कि अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स कहाँ से पढ़ना है. सिमिलरली अब आपको ये भी पता चल गया है कि मैथमेटिक्स ISC की तैयारी कहाँ से करें, और अगर आपका कंफ्यूजन ये है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और अभी तक आपने शायद ऐसा हो नहीं सकता कि सुधीर सर के बारे में नहीं सुना हो, तो अभी नो द ट्रुथ फ्रॉम हॉर्सेज माउथ ही कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या कोई ऐसा डेडिकेटेड कोर्स है जिससे आप 2023 के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकें. वेलकम सर, वेलकम टू द चैनल. थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच. ओके सर, सो ऐसा कुछ बच्चों के लिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इस बार, लेट्स से 13th एंड 14th फरवरी लगातार पेपर है बच्चों का इंग्लिश का, सो कोई टिप या ऐसा कोई आपका कोर्स जिससे बच्चा एनरोल करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, या कुछ ऐसा जो यूट्यूब में आपके फ्री कॉन्टेंट के अंदर पड़ा हो जो बच्चे अफोर्ड ना कर सकते हैं, या कोई एक जनरल पब्लिक जिसको देख कर प्रिपेयर कर सकती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना सर प्लीज. बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब. इनफैक्ट Today, very surprisingly, coincidentally, two teachers got in touch with me from different states of India who wanted to kind of see some clarifications on, you know, what all content we have on YouTube. So it's okay. Not just students, काफी सारे teachers भी हमारे content का इस्तेमाल करते हैं, which is absolutely fine. Most welcome to do that. So before we get into that, I just want to talk briefly कि किस तरह की strategy होनी चाहिए. काफी सारे बच्चों को लग रहा था कि 25 तारीख के तकरीबन उसी समय पर एग्जाम शुरू होगा, लेकिन 13 और 14 को विदाउट ए ब्रेक इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होने वाला है. नाउ सबसे बड़ी गलती, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव फाउंड अमंग क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स, इज दैट उनको लगता है कि 10वीं कक्षा में जिस तरह से वो निबंध, एसेज, कॉम्पोजिशन वगैरह लिखते थे, अगर उसी स्टैंडर्ड का, उसी स्तर का वे 11वीं और 12वीं कक्षा में लिखेंगे तो काम चल जाएगा. I want to disappoint you by saying कि काम नहीं चलेगा. पहली बात तो ये कि 20 मार्क में पहले सिर्फ 300 से 350 वर्ड्स लिखने पड़ते थे. अभी उसी 20 मार्क को अर्न करने के लिए आपको 400 से 450 वर्ड्स का कॉम्पोजिशन लिखना पड़ेगा. यानी कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ज्यादा बेहतर लिखना पड़ेगा, एंड योर स्टाइल एंड लैंग्वेज हैज टू बी दैट मच बेटर, एंड दैट इज अ चैलेंज. अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे रेगुलरली, आपको मुश्किल जरूर होगी. सो दिस इज समथिंग, एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, प्लीज रीड एज मच एज पॉसिबल गुड क्वालिटी एसेज. ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3 essays इन ए वीक, सो दैट आपको लिखने की आदत हो जाए. अदरवाइज जैसे राइटर्स को होता है ना, राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, एग्जाम के टाइम पे वर्ड्स नहीं आएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, और उसी समय पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएंगे, और हर ग्रामेटिकल मिस्टेक पर आपको पिनलाइज किया जाएगा. सो I would specifically counsel you, essays पर please ध्यान दीजिए. 20 mark का सवाल है, 1/4 of your paper, so that has to be given special attention. Grammar के 15 mark हैं, तो उसके लिए भी practice करना जरूरी है. Now let me come to the literature part. Now literature also थोड़ा भारी भरकम है, tempest है, which can be complicated. Of course now you have Act 3, 4, 5, Act 1 or 2, 11th class में डाल दिया है, और similarly poems और stories में 5 poems हैं और 5 स्टोरीज हैं, विच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ये इजी पोएम्स और स्टोरीज नहीं है जैसे 10वीं कक्षा में थे. एटलीस्ट 10th के मुकाबले काफी कॉम्प्लेक्स पोएम्स हैं. नाउ एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न, अ लॉट ऑफ द कंटेंट इज पुट ऑन आवर यूट्यूब, इट्स फ्री, एनीवन कैन सी. पोएम्स एंड स्टोरीज आर अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एनीवन कैन सी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. प्लीज मेक यूज ऑफ ऑल द कंटेंट दैट वी हैव पुट ऑन यूट्यूब. टेम्पेस्ट ऑल्सो इज ऑन यूट्यूब. Tempest is also there as a course. Now, what is the difference? It is much more in-depth explanation videos. We have prepared notes and put it out for our students who are part of the Tempest 12th course. There is a separate course for 11th also. And also, I have written question and answers for the students so that you understand the play. और एक दो बारी सुनना पड़ेगा बिकॉज कॉम्प्लेक्स प्ले है. उसके बाद नोट्स देखिए, जिसमें काफी डिटेल में नोट्स दिए हैं. नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, और इसके अलावा देर आर टेस्ट पेपर्स विच आर पुट बोथ एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट. आंसर्स मैंने खुद लिखे हैं, सो दैट यू कैन गो थ्रू द आंसर्स, सो दैट यू नो कि कितना लिखना है एंड मोर इम्पोर्टेंटली कैसे लिखना है. सो उसकी पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी इफ यू आर पार्ट ऑफ द टेम्पेस्ट कोर्स. आई कुड नॉट, there are a lot of many students who were wanting me to start a language and a poems and stories course also. Time ki kami hai, nahi ho paya, but definitely you can make use of the Tempest course, and poems and chap stories ke liye aur language ke liye
you can look at our YouTube channel. ओके ओके तो टू समराइज डियर स्टूडेंट्स, सर कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से कि सर टेम्पेस्ट के लिए, फॉरगिव मी इफ आई राइट सम रॉन्ग स्पेलिंग, टेम्पेस्ट के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल एट सर्स यू नो ऑन द स्टडी विद सुधीर ऐप, स्टडी विद सुधीर ऐप, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. एंड सर कैन यू प्लीज टेल मी कि आज की डेट में कुछ क्या इस पे क्या प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल हो पाएगा स्टूडेंट्स? When we had started it at the beginning of the year for a full 12 months, at that time we had priced it at 2,500. Now I think today's this thing we have brought it down to 1,700 rupees. 1,700. So that's So in which, as I said, all this whatever I mentioned is all there as part of the course. Uske alawa, in fact, we have given a lot of stuff complimentary. For instance, language mein there is 5 mark ke phrasal verbs puche jaate hain. Okay. So phrasal verbs ke 6 files, PDF files. I have put it out there complimentary. All I right. have given notes of 4 chapters, Music Makers, Birches, Wordsworth, and one more. I forget which one. 4 chapters ke jiske mere paas notes ready the, maine notes bhi wahan pe dale hue hain. Halanki this course is only about Tempest, but baki jo bhi hai wo bhi maine wahan pe dala. All right. So, अगर किसी बच्चे को टेम्पेस्ट पढ़ना होगा उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं. एंड फॉर स्टोरीज एंड पोएम्स यू विल बी शेयरिंग दैट प्लेलिस्ट, जिसको बच्चा देखकर पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है. एंड दैट सेम इज कंटिन्यूड फॉर द लैंग्वेज सेक्शन, उसका भी प्लेलिस्ट आपने यूट्यूब पर डाल रखा है, दैट एनी स्टूडेंट कैन गो थ्रू इट एंड उससे अच्छा प्रिपरेशन हो रहा होगा. टेम्पेस्ट क्योंकि डिफिकल्ट है और उसके लिए आपने एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है. सो डियर स्टूडेंट्स, इनकेस इफ यू वॉन्ट कि आपका इंग्लिश में बहुत अच्छे से मार्क्स आ सके और अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी लिंक्स देख सकते हैं. सर का चैनल, सर का जो स्टडी विद सुधीर ऐप है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा होगा, एंड फॉलोड बाय द प्लेलिस्ट जो सर ने डेवलप कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल के साथ. आप जाके तुरंत फटाफट से उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. एनी मोर थिंग सर? यस, वन लास्ट थिंग. आई कीप सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, और शुभम आपने भी इस तरह के कमेंट्स देखे होंगे. किसी वीडियो पे लिखा होता है लेजेंड्स वॉचिंग दिस वन डे बिफोर द एग्जाम. इसमें कोई लेजेंडरी वाली बात बिल्कुल नहीं है. यू आर एक्चुअली टेकिंग अ ह्यूज रिस्क इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेम्पेस्ट वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन. प्लीज डोंट डू दैट. अभी आपके पास फिर भी 2 महीने का समय है. प्लीज टेक आउट सम टाइम, इवन इफ इट इज जस्ट हाफ एन आवर इन अ डे, और थोड़ा सा पोर्शन 2 पेजेस पढ़ने हो फिर भी उसको पढ़ लीजिए, ताकि इट डजंट बिकम, बिकॉज टेम्पेस्ट जैसे प्ले को काफी बारी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही शेक्सपियर की भाषा दिमाग में घुसती है, नहीं तो काफी मुश्किल होगी. सो डोंट थिंक दैट यू नो एक दिन पहले किसी कुंजी से मैं समरी पढ़ लूंगा और वहां पे हो जाएगा काम. वहां पर काम नहीं हो पाए. आईएससी में मार्किंग मार्क्स इजिली नहीं दिए जाते. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. सो ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. और यहाँ से स्टूडेंट्स को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. एंड जस्ट 2 महीने बाकी हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है, बेस्ट 4 में आना ही आना है. सो इसके साथ प्लीज आप प्लीज इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, अच्छा स्कोर करें और बहुत अच्छे से कॉलेज में आप फॉर श्योर एडमिशन ले रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, मिलते हैं बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.